भाई साहब, जियो का एयर फाइबर लेने के लिए हमें पहले ही 5,240 रुपीज पे करना पड़ता है जियो वालों को, जिसमें हमें 6 मंथ का प्लान मिलता है। तो काफी सारे लोगों के ये सवाल था कि हम जो यहाँ पे 6 मंथ का जो हम लोग को प्लान मिलता है वो खत्म हो जाएगा 6 मंथ के बाद, तो क्या हमें वापस से 6 मंथ का ही डलवाना पड़ेगा या फिर 1 मंथ का डलवा सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम वगैरह है क्या? एंड इसके साथ एक और सवाल था बहुत सारे लोगों का कि यहाँ पे रिचार्ज अगर नहीं करवाते हैं अपने जियो के एयर फाइबर में तो क्या होगा, हमारा कनेक्शन कैंसल हो जाएगा, जियो वाले हमारा जो है एयर फाइबर है वो उठा के ले जाएंगे, मतलब क्या हुआ उसके बारे में बताइए, ठीक है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो में आप लोग को इसके बारे में बता दूं। उससे पहले अगर आप अपने घर पे या फिर ऑफिस पे जियो का एयर फाइबर कनेक्शन लगवाना चाहते हो तो सिंपल सा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है एंड वहां पे आपको अपना सारा डिटेल्स वगैरह डालना है एंड एड्रेस वगैरह डाल के आपको जो है जियो के एयर फाइबर को बुक करना है। बुक करते ही बहुत ही जल्दी आपका कनेक्शन यहाँ पर लग जाएगा, बिकॉज हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट है डायरेक्ट जियो की टीम से, इसी कारण से हमारे लिंक से अगर बुक करते हो तो यहाँ पर आपका काम थोड़ा सा जल्दी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जियो का जो एयर फाइबर है उसमें आप लोगों को जो पहले 6 मंथ का प्लान मिलता है वो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद हर मंथ आपका बिल जनरेट होगा, एक एक मंथ का आपका प्लान यहाँ पे चालू हो जाएगा उसके बाद से, ठीक है? मतलब पेमेंट करोगे फिर आपका चलेगा 1 मंथ, फिर उसका बिल आएगा, फिर उसको पेमेंट करोगे तो फिर 1 मंथ चलेगा, तो इस तरह का आपका यहाँ पे बिल साइकिल जनरेट हो जाएगा जिसमें आपको एक एक मंथ का आपको बिल पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? टोटल बिल आएगा आपको 706 रुपया अगर आप यहाँ पे 30 Mbps वाला प्लान लेते हो तो, एंड अगर आप उससे महंगा वाला प्लान लेते हो तो GST वगैरह ऐड करके आपको बिल आ जाएगा, वो आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया कि आपको हर मंथ पेमेंट करना है या फिर एक ही बार में 6 मंथ का फिर से प्लान डलवाना होगा, ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक और सवाल था कि जियो का जो एयर फाइबर है उस पर अगर बिल पेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो बिल जनरेट हुआ है उसको पेमेंट नहीं करते हैं, बिकॉज प्रीपेड में क्या होता है ना कि जब आपको रिचार्ज करना है तब रिचार्ज करो, जब नहीं करना है तो नहीं करो, बट यहाँ पे पोस्टपेड में ऐसा नहीं होता है, आपको बिल जनरेट होता है हर मंथ, अगर हर मंथ आप पेमेंट नहीं करते हो तो 1 से 2 मंथ के बाद आपका कनेक्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड जियो वाले आपका जो कनेक्शन है मतलब एयर फाइबर है सेट टॉप बॉक्स वगैरह है ये सब उठा के ले जाएंगे, बिकॉज जो जियो फाइबर का पोस्टपेड वाला कनेक्शन था उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, काफी सारे लोग जो लोग पेमेंट वगैरह नहीं किए थे उनका जो है वो सेट टॉप बॉक्स एंड डिवाइस को पिकअप करके ले गए। अगर आपको फिर भी कंफर्मेशन चाहिए तो अभी मैं कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ एंड उनसे पूछता हूँ कि क्या होगा, मतलब हमारे पास जो है वो एयर फाइबर रहेगा या फिर डिवाइस पिकअप करके ले जाएंगे, ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, तो चलिए पूछ के देखते हैं एक बार। अगर मैं बिल पेमेंट वगैरह नहीं करता हूँ तो क्या होगा, मतलब ऐसे जैसे प्रीपेड में क्या होता है कि जब मर्जी तब रिचार्ज करो यूज़ करो, तो ये तो पोस्टपेड है तो अगर बिल पेमेंट नहीं करता हूँ तो क्या होगा? वो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आपको एक 9 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है, मतलब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ बिलिंग बिल जनरेट होने के बाद से 9 डेज आपको टाइम मिलेगा। 9 डेज तक कनेक्शन चालू ही रहेगा। अगर आफ्टर 9 डेज 10 डेज तक भी चालू रहता है, अगर 10 डेज के बाद भी आप पे नहीं करते हैं तो कनेक्शन आपका सस्पेंड हो जाएगा। फिर जब आप पे करेंगे तो कनेक्शन चालू होगा। तो फिर मतलब अगर मान लीजिए 2 मंथ 3 मंथ आपने पे नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या डिवाइस पर डिवाइस पिकअप करने के लिए आ जाएंगे क्या? हाँ, वो ऑटोमेटिक सीओ नंबर जनरेट हो जाएगा और डिवाइस पिकअप हो जाएगा। अच्छा, मतलब हर मंथ बिल पेमेंट करना ना 10 डेज से पहले ही। जी तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर सुना कि जियो का जो एयर फाइबर है उसका बिल पेमेंट अगर आप नहीं करते हो तो आपका अकाउंट सबसे पहले तो सस्पेंड होगा, उसके बाद अगर 2-3 महीने पेमेंट नहीं करते हो तो उसके बाद आपका कनेक्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपका जो यहाँ पे एयर फाइबर है और सेट टॉप बॉक्स है उसको उठाने के लिए जियो वाले आ जाएंगे एंड आपको उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा, एंड जो शायद बिल वगैरह बाकी भी रहेगा ना वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी सिस्टम है कि आपको बिल भी पेमेंट करना पड़ेगा एंड आपका डिवाइस भी पिकअप करने के लिए आ जाएंगे एंड आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप रिचार्ज नहीं करते हो तो ये सब आपको भुगतना पड़ सकता है, मतलब बिल पेमेंट वगैरह नहीं करते हो तो, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, तो आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।